दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो समझ में भी आएगा और एग्जाम में भी आप विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे और यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहलाता है। कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहलाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुने, यदि कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये तीनों कंडीशन में यदि कोई सिस्टम है तो वह सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो ध्यान से सुने, यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हो, यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल मतलब बाहरी अनबैलेंस मतलब असंतुलित फोर्सेस मतलब बल एक्ट नहीं हो रहे हो तो वह बॉडी कैसी कहलाती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। और यदि केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो यदि किसी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल बैलेंसिंग कंडीशन में हो तो वह बॉडी कैसी कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन की। यदि किसी बॉडी में या किसी सिस्टम के अंदर पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वह एक समान है, किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है जो तापमान है वह एक समान है तो वह बॉडी क्या कहलाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है। तो यदि किसी कोई सिस्टम है वह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है मतलब उसमें कोई भी एक्सटर्नली अनबैलेंसेस फोर्सेस नहीं लग रहे हों और किसी उसी बॉडी पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो मॉलिक्यूल्स के अंदर और उस बॉडी का टेम्परेचर भी एक समान हो तो वह पूरी बॉडी या पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी आपको ध्यान से सुनना है बिल्कुल, क्योंकि दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले बता दिया। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं समझा दिया है, सामने स्क्रीन पर लिखा नहीं है मैंने लेकिन मुंह से समझा दिया है और आपने बड़ी आसानी से सुन लिया होगा और एक्सप्लेन भी इसको कर पाएंगे। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, इसी को मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, मान लिया एक ए बॉडी है और एक हमारे पास बी बॉडी है और एक हमारे पास सी बॉडी है, तीन कोई बॉडी है। हम मान लेते हैं कोई हमारे पास ए बॉडी है और बी बॉडी है, क्या कौन सी बॉडी, ए बॉडी है और बी बॉडी है और दोनों कैसी हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है हम मान लेते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम देखते हैं कि जो ए बॉडी है और बी बॉडी है दोनों कनेक्ट होने के बाद कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि इनकी दोनों बॉडियों का जो टेम्परेचर है वह कैसा है, एक समान है। ए बॉडी बी बॉडी जो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इन दोनों का जो टेम्परेचर कैसा है, एक समान है, कैसा है, एक समान है और यह कह सकते हैं हम कैसा है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यदि हम बी और सी बॉडी को भी कनेक्ट करते हैं, बी और सी बॉडी को कनेक्ट करते हैं,
कनेक्ट कर दिया, और यहां पर बी सी बी और सी बॉडी भी एक दूसरे से कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कैसी बी और सी बॉडी दोनों कैसी है, यदि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब बी और सी दोनों बॉडियों का टेम्परेचर कैसा है, एक समान है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो ए बॉडी है और सी बॉडी है, मतलब ए बॉडी है और सी बॉडी है, इन दोनों को भी टेम्परेचर कैसा होगा, एक समान होगा, या कह सकते हैं इन दोनों ए और सी बॉडी भी कैसी होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी। समझ में आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बताता है कि यदि कोई तीन बॉडी हमारे पास और ए और बी बॉडी कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब दोनों बॉडी की एक समान टेम्परेचर है, और सेपरेट बी और सी बॉडी भी देखें तो ए भी कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब दोनों की टेम्परेचर एक समान है, तो जो हमारी ए बॉडी है और सी बॉडी है, इन दोनों के भी टेम्परेचर एक समान होंगे, या कह सकते हैं दोनों कैसी होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी। ये मैंने समझाने की कोशिश की, यहां पर इसी को मैंने ये डायग्राम के थ्रू पूरा कंप्लीट बना दिया कि ऐसे हमें एग्जाम में बनाना, ए बॉडी बना देना, बी बना देना, सी बना देना, और फिर हमें ऐसा लिखना है एरो बना के, दोनों को एक दूसरे के ओर एरो कनेक्ट करना है, यहां पर भी दोनों एक दूसरे के ओर एरो कनेक्ट करना है, यहां पर भी एरो कनेक्ट करना है एक दूसरे की ओर, जैसा यहां पर दिखाया है, जो शो कराती है कि ए बॉडी इसके प्रति और ए बॉडी इसके प्रति, ऐसे ए बॉडी इसके प्रति और ए बॉडी इसके प्रति, ऐसे ए बॉडी इसके प्रति और ए बॉडी इसके प्रति कैसी है, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एक समान टेम्परेचर है तीनों बॉडियों का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि जो एप्लीकेशन है, जो हमारे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, वहां पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कौन से टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वह है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें करना क्या है एग्जाम में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ हमें एक हेडिंग डालना है ऐसी, और ये पूरा हिंदी इंग्लिश में किसी एक भाषा में याद रखें, हमें लिख देना है। आप चाहें तो डायग्राम अलग अलग करके बना सकते, सबसे पहले इस डायग्राम को बना दें, ए बी ऐसे एरो दिखा के, फिर बी सी बनाएं, फिर ए सी बनाएं, ये तीनों डायग्राम बनाकर, ये तीनों डायग्राम भी बना सकते हैं, और फिर ये आप क्या कह सकते हैं, ये कंबाइंड डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे समझाना चाहते हैं। इसके अलावा नोट्स की जरूरत है तो जो ए बी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट पूरे थर्ड सेम के, चाहे थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं या बीएमई की बात करूं, या फिर कंप्लीट पूरे जो आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं उन सबके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में एक लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक कर दें, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा, उस वीडियो में मैंने बताया है कि एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसे करनी है। इसके अलावा आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ना इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं इस ये जो कंप्लीट हिंदी इंग्लिश का कोर्स है वो कैसे हमें अनलॉक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।